हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, और साथ में हम समझेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में काम आती हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँगा ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज करिए ये हमारे पास मिरर है, ऑल्सो नोन एज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के ऊपर जब भी कोई लाइट रेस इस तरह से आती है, एक साइड से आती है और टकराती है, तो इस तरह से आने वाली किसी भी रे ऑफ लाइट को कहा जाता है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर सोर्स से आ रही है, तो किसी सोर्स से आने वाली लाइट रे को इंसिडेंट रे कहा जाता है। और जब इस जिस पॉइंट पर टकराएगी, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट टकराती है, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जब यहां से टकरा के रे ऑफ लाइट वापस बाउंस बैक होती है, तो इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों रेज के बीच में, यानी कि यहाँ मिरर के ऊपर जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को कहा जाता है दिस नोन एज नॉर्मल रे, नॉर्मल रे। नॉर्मल रे क्या है स्टूडेंट्स? ये परपेंडिकुलर लाइन है जो मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ की है। अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें एंगल्स कौन कौन से होते हैं। पहला, अगर मान लीजिए यहां पर मैं इस रे को नाम दे दूं ए, यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को नाम दे दूं ओ, यहां पर रिफ्लेक्टेड रे को नाम दे दूं यहां बी, नॉर्मल को नाम दे दूं मैं यहां पे एन, तो यहां पे ए ओ एन, एंगल ए ओ एन नॉर्मल के साथ बनता हुआ एंगल, इसे कहा जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको ऐसे भी शो किया जाता है, दिस नोन एज एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स? यानी मैं यहां लिख देता हूं एंगल ए ओ एन, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल एन ओ बी, ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से, और इसको सिंबलाइज किया जाता है एंगल आर से, एंगल आर, एंगल आर। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये हुआ एंगल आई और ये हुआ एंगल आर। ठीक है स्टूडेंट्स? अब जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी आपकी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ये है, यहाँ पे सारे के सारे एक ही लाइन पे लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देख पा रहे हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है ए रे से, ए ओ, यहाँ से आती हुई टकरा रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये, और साथ में एन नाम का जो नॉर्मल लाइन है ये वाली, और ये जो मैंने रिफ्लेक्टेड रे बनाई है बीओ, ये सारी की सारी तीनों लाइंस एक ही प्लेन, प्लेन कौन सा है? प्लेन मिरर। प्लेन कौन सा स्टूडेंट्स? प्लेन मिरर। ये सभी सभी प्लेन मिरर पे लाई कर रही है। तो पहला रूल कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। मान लीजिए ये रहा मिरर और ये हमारी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, और टकरा के यहां रिफ्लेक्टर रे जा रही है, बीच में नॉर्मल बना दी है, ये रहा एंगल आई, ये रहा एंगल आर। ठीक है स्टूडेंट्स? अब सेकेंड रूल कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर।
द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी अगर यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बन रहा है तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल आई किसके बराबर है, वो एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमने जाना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी टर्म्स के बारे में जाना, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। और हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, यानी कि ये वाली रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, सभी सभी एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, इस पे प्लेन मिरर पे। इसी तरह से आपकी सेकेंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये जो एंगल बन रहा है विद द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बन रहा है उसके बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के रूल्स के बारे में, इमेज फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वेब ऑफ एक्सपीरियंस। थैंक यू।